तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम इंडिया के प्राइम फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी की, क्योंकि भाई मोहम्मद शमी की याद बहुत सता रही है। भाई जब से मोहम्मद शमी टीम इंडिया से इंजरी के कारण बाहर हुए हैं, भाई इंडिया के तो वांदे लग गए हैं। टीम इंडिया के मतलब जीत के लिए तरस रही है, चाहे श्रीलंका का टूर हो, चाहे न्यूजीलैंड का हो, घर में इंडिया हार गई, और चाहे ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर एडिलेड टेस्ट मैच हो। भाई एडिलेड में तो बुरा हाल हो गया है, बुमराह बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, सिर्फ लोन वॉरियर पड़ गए हैं, वन मैन आर्मी हो गए बुमराह, उनका साथ कोई भी नहीं दे रहा। लेकिन अब थोड़ी सी रे ऑफ होप जागी है मोहम्मद शमी के लिए। खुशखबरी है कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वापसी कर सकते हैं। कब और कैसे करेंगे वापसी, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। पहले तो बात करेंगे बुमराह की, जो सिर्फ अकेले ही अकेले पड़ गए हैं। भाई अब बुमराह अकेला पड़ गया तो बस वो 10-20 विकेट थोड़ी ना ले लेगा, उसको भी किसी की एंड की सहायता चाहिए। अब वो पता लग रहा है भाई, वो तो अब थक चुका है भाई, वो कितना जोर लगाएगा। सिराज भी जोर लगाया, उसने ठीक ठाक 4 विकेटें ली भी, लेकिन एंड में ली वो विकेटें, पूरा उनका साथ देना चाहिए था। अब हर्षित राणा की तो बात ही क्या करें भाई, 16 ओवर में 86 रन दिए, 5 की इकोनॉमी से तोड़ मरोड़ दिया भाई उसको ट्रेविस हेड ने, हर्षित राणा को। जैसे गली क्रिकेट में नहीं खेलते बच्चे, वैसे बच्चा लग रहा था भाई हर्षित राणा ट्रेविस हेड के सामने। तो भाई अब बुमराह अकेला पड़ गया है बेचारा, तो उसको साथ चाहिए भाई किसी का। तो मोहम्मद शमी कब आओगे वापस, अब बताता हूँ मैं। कि कई सूत्रों से या फिर कुछ वेबसाइट के हवाले से बात आ रही है कि मोहम्मद शमी जल्दी ही वापसी करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। आपको पता है कि मोहम्मद शमी पिछले 1 साल से इंजर्ड है। लास्ट जो उन्होंने खेला था इंटरनेशनल क्रिकेट 19 नवंबर को खेला था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से कभी उनको टखने में चोट लग जाती थी, कभी उनको एंकल में चोट लग जाती थी। उम्मीद थी कि वो न्यूजीलैंड के साथ घर वापसी करेंगे, जहाँ से 3-0 से हारी टीम इंडिया, लेकिन फिर वहाँ पर उनको घुटने की सूजन आ गई, फिर वो बेंगलोर में एनसीए में चले गए, वहाँ पर उसको जो थे अनफिट घोषित कर दिया, तो जिसकी वजह से भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी नहीं खेले। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं और सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो भी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से भाई वहाँ के जो सेलेक्टर्स हैं ना, एनसीए में सेलेक्टर्स हैं या फिर डॉक्टर मेडिकल टीम है, उनका पूरा ध्यान रख रही है भाई, कितने फिट हैं वो कितने नहीं हैं, पूरा चेकअप कर रही है भाई। सेलेक्टर के साथ साथ मेडिकल टीम भी ग्राउंड में बैठकर उनको एग्जामिन कर रही है। लेकिन फिर अब बहुत अच्छी खबर आई है, ये खबर ऑफिशियल तो नहीं है 100% राइट या जेन्युइन नहीं है, लेकिन ये वेबसाइट के सूत्रों से या फिर अखबार के कुछ अखबार की कटिंग के हवालों से आई है कि भाई मोहम्मद शमी जल्दी ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वापसी कर सकते हैं। लेकिन ये तीसरे मैच में तो बिल्कुल वापसी नहीं कर सकते, जो 14 दिसंबर को आई थिंक 14 या 16 दिसंबर से ब्रिस्बेन में स्टार्ट है, लेकिन भाई वो जो मेलबोर्न में है एमसीजी, उसमें यानी कि 26 दिसंबर में उसमें ये शामिल हो सकते हैं। अब आज 7 तारीख हुई है, 26 यानी कि 19 दिन पड़े हैं, तो 19 दिन काफ़ी हैं रिकवरी के लिए। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई वीज़ा वूज़ा किट कुट सब तैयार हो गई है मोहम्मद शमी की। ये 100% जेन्यून खबर नहीं है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई अब मोहम्मद शमी जो है 26 तारीख वाला जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्टेडियम में मैच होगा, वहाँ पर वो जसप्रीत बुमराह का साथी बन सकते हैं। भाई अगर वो आ जाते हैं ना भाई, तो क्या लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक तरफ जसप्रीत बुमराह होंगे आपके पास, दूसरी तरफ मोहम्मद शमी होंगे, फिर तीसरे बॉलर बैकअप के लिए आपके मोहम्मद सिराज होंगे, चौथे आप स्पिनर को जड्डू जो भी लगा लो, यानी कि रोटेशन चलती रहेगी। पहले दोनों प्राइम स्पिनर सॉरी फास्ट बॉलर रहेंगे, फिर उसके बाद उनको आराम मिल जाएगा, मतलब ऐसे रोटेशन हो जाएगी। और भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा है मोहम्मद शमी का, 8 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 31 या 32 विकेट हैं भाई, और पिछले जो ट्रॉफियाँ जीती है ना बीजीटी, उसमें अहम योगदान रहा है मोहम्मद शमी का। और लास्ट के 3-4 साल तो मोहम्मद शमी की फॉर्म बहुत तगड़ी उमदा रही है भाई, मतलब मोहम्मद शमी के नाम से ही बंदे कांप जाते हैं आज के, क्योंकि उनकी सीम मूवमेंट लगा लीजिए, उनकी स्पीड लगा लीजिए, उनका बॉल कंट्रोल और बॉल की जो नॉलेज है ना उनको, भाई उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं है, जिस तरह की वो बॉल नॉलेज रखते हैं भाई। अगर उम्मीद है कि वो वापसी करेंगे, और बेचारे जसप्रीत बुमराह जो थकान की वजह से चकनाचूर हो गए एडिलेड टेस्ट मैच में, बीच में भाई मैं देख रहा था बीच में ना उनको चोट सी पता नहीं क्या लग गई थी, मैं तो गया, मैं सोच रहा था भाई गए अब ये, लेकिन वापसी कर ली थी उन्होंने, बड़ी चोट नहीं थी। लेकिन भाई मोहम्मद शमी का जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं आते ना तो 100% भाई हार जाएगी ट्रॉफी, जिस तरीके से मैंने आज के हालात देखे हैं। भूता बना दिया था ट्रेविस हेड ने, तो सिराज का भी भूता बना दिया था, और उसका भी हर्षित राणा का भी, इवन आप उसको देख लीजिए अश्विन का भी भूता बना के रख दिया था ट्रेविस हेड ने, और सिर्फ बुमराह ही बचे हैं भाई। और उम्मीद करते हैं भाई अगर वो आ गए ना शमी, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि बिना शमी के टीम इंडिया
ना इतना तगड़ा नहीं करती। अगर अब शमी का बैकअप भी लाना पड़ेगा, अभी 34 साल के हो गए शमी, 2-3 साल तक खेलेंगे 36 या 37 साल तक, तो उसके बाद भाई बुमराह के साथ कोई ना कोई तो फास्ट बॉलर होना चाहिए, कोई ना कोई तो ग्रूम करना चाहिए। भाई ग्रूम क्यों नहीं कर रहे, ग्रूम करो ताकि कोई पैरलर बुमराह के आए। तो उम्मीद है भाई मोहम्मद शमी जल्द वापसी करेंगे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो 26 दिसंबर से मैच हो रहा है। अगर वहाँ पर वापसी नहीं होती है तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया या तो ड्रॉ कराएगा या फिर ये हार जाएगा 100%। तो भगवान से उम्मीद करते हैं भाई वापसी करें और टीम इंडिया की नैया पार लगाएं। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।